आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज राइट डाउन एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। हमें तीन डिफरेंस बताना है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बीच में। सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी है क्या। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पार्ट होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ये पार्ट हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी इम्यूनिटी है? ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जिसको हम अपने जन्म के बाद बाहर से क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। यानी ये इम्यूनिटी डेवलप होती है ड्यूरिंग ये इम्यूनिटी डेवलप होती है ड्यूरिंग लाइफ। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो एक साइड हम यहाँ पर लिख देंगे एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी की, एंड दूसरी साइड हम यहाँ पर लिख देंगे पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पर हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी की। ध्यान देंगे ये दोनों ही इम्यूनिटी किसके पार्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। सबसे पहले जानेंगे एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है के हमारी बॉडी के ओन इम्यून सिस्टम के द्वारा। ओके, ये हमारी बॉडी के ओन इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली क्या है, इम्यूनिटी है। और ये इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड करती है किसके प्रति, एंटीजन के प्रति। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो ये इम्यूनिटी रिसीव्ड होती है पैसिवली। ओके, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम से नहीं बनती बल्कि इसे हम पैसिवली रिसीव करते हैं अपनी बॉडी में किसके द्वारा, होस्ट के द्वारा। ओके, किसी होस्ट से। अब यहाँ पर ये इम्यून सिस्टम से इन्वॉल्व नहीं होती है हमारे, तो ये एक डिफरेंस हो गया इसका। दूसरा डिफरेंस अगर हम बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। ओके, ये कैसी होती है, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी है। और दूसरी साइड अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट लास्टिंग होती है। ओके, तो ये कम समय के लिए यूज में लाई जाती है। ये कैसी होती है, शॉर्ट लास्टिंग। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक्टिव इम्यूनिटी हमारी जो होती है ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ओके, मोर इफेक्टिव। और वहीं अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये कैसी होती है, लेस इफेक्टिव। ओके, लेस इफेक्टिव होती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इनमें क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये क्या करती है, ऑफर करती है बेटर। ओके, ये ऑफर करती है बेटर प्रोटेक्शन। ओके, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी बॉडी को क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है। वहीं अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये इन्फीरियर प्रोटेक्शन देती है। ओके, ये कैसा प्रोटेक्शन देती है, इन्फीरियर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंसेस बताए हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।